तो यार GTA San Andreas के बहुत सारे ऐसे GTA 5 के मोड्स पैक आपको मैं दे चुका हूँ। आज मोड पैक में लाया हूँ आप लोगों के लिए GTA San Andreas का लेगेसी मोड पैक। और गाइस आपको यहाँ पे इस वाले मोड पैक के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं बहुत सारे रियलिस्टिक विजुअल्स, माउंटेन्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, द स्काई बॉक्स जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है विच विल बी ब्लो अप योर माइंड, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत अमेजिंग स्काई बॉक्स इस वाले ग्राफिक्स मोड पैक का होने वाला है। इस ग्राफिक्स मोड पे का पूरा गेम प्ले आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। उससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। काफी लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि आपका मोड पैक क्रैश कर रहा है, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप गेम डाउनलोड करते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में से, तो आपको वहाँ पे जो है जब जैसे आप इंस्टॉल करते हो अपने गेम को डेटा फोल्डर के अंदर फाइल को पेस्ट करते हो, तो आपका अगर गेम क्रैश कर रहा होता है किसी भी तरीके से, तो आप आपको OBB फाइल का यूज़ करना है अपने एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर। हो सकता है कि जो मोड पैक है उसमें कुछ फाइल ऐसी हो जो कि आपके फ़ोन को चाहिए हो, लेकिन वो आपके मोड पैक के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कि आपको OBB फाइल की ज़रूरत पड़ सकती है उस टाइम पे। ये ज़्यादातर केसेस में सही हो जाता है, लाइक इससे आपका जो गेम है वो क्रैश करना बंद कर जाता है अगर आप OBB फाइल को अपने OBB फोल्डर के अंदर रखते हो तो। लेकिन अगर OBB फोल्डर के अंदर आपकी OBB फाइल होने के बाद भी गेम क्रैश कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे GTA San Andreas के प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है जिसमें मैंने ऐसी वीडियोज़ बनाई हुई जिसमें आपको GTA San Andreas से क्रैश से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएगी, और उन वीडियोज़ को देख करके आप अपना गेम को फिक्स कर सकते हो। सो गाइज मैं बिना टाइम वेस्ट करे जस्ट जंप करूँगा अपनी गेम प्ले के ऊपर। गाइज यहाँ पे जो स्काईबॉक्स आपको देखने के लिए मिलने वाला है नाइट मोड में भी एक्चुअली वेरी अमेजिंग, लाइक लिटरली मैं बड़ा शौक हो गया था। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे क्लोज स्क्रिप्ट को यूज़ करके देखा था और उनकी वजह से मैंने यहाँ पे अपनी ग्राफिक्स को एनहेंस करने की कोशिश करी। मैंने टाइमिंग वगैरह चेंज करी सो दैट मैं स्काई बॉक्स को अच्छे से देख सकूँ। साथ में आपको यहाँ पे रियलिस्टिक माउंटेंस देखने के लिए मिल जाएंगे। यार एक मोड पैक के अंदर बहुत अच्छी चीज़ जो रहती है ना वो माउंटेंस हो जाती है यार, अगर वो आ जाते हैं ना अपने गेम के अंदर गेम आपका रियलिस्टिक बन जाता है। वैसे ये गेम एक्चुअल में आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा होता है तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, अपने जो क्लोज स्क्रिप्ट है उनको थोड़ा सा डिलीट कर सकते हो। जो कुछ ऐसे क्लोज स्क्रिप्ट फाइल होगी आपके मोड पैक के अंदर जो मैं आपको दूंगा जो कि यूज़लेस होगी आप लोगों के लिए, हो सकता है आप उनको काम में ना लो, तो आप उनको डिलीट कर दो एक एक करके, आपका गेम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, एकदम अच्छे से गेम आपका चलने वाला एकदम स्मूथ। हाँ ये मोड पैक बहुत ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक मोड पैक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के फ़ोन में ये मोड पैक लैग कर सकता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक मोड पैक है, तो उस केसेस में आपको केयरफुल रहना है। और गाइस यहाँ पे जो कार्स आपको देखने के लिए मिलेगी वो यहाँ पे आपको GTA 5 के कुछ कार्स देखने के लिए मिल जाएगी और कुछ GTA San Andreas के भी कार्स देखने के लिए मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छे रिफ्लेक्शन के साथ में एंड टेक्सचर्स के साथ में आती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको GTA San Andreas के यार बहुत सारे मिशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपको मिशन देखने के लिए मिलते हैं अपने GTA 5 के मिशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूँ आपको सारे GTA San Andreas के मिशन देखने के लिए मिल जाएंगे। और उसके अलावा यार इस वाले ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके जो रिफ्लेक्शन है और इसके जो स्काई बॉक्स है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मोड पैक हो सकता है अगर आपके पास एक अच्छा मिड एंड डिवाइस भी होता है 4GB रैम वाला, तो आप इस वाले मोड पे को डाउनलोड करके अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर खेल सकते हो, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके अलावा यार मैं एक बात और करना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको मैप भी देखने के लिए मिल जाएगा एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जो कि आपको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। एक बात मैं और करना चाहूँगा, काफ़ी लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे कि हम डाउनलोड कैसे करें, हाउ टू डाउनलोड, तो यार देखो मैंने आपको अपना लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको बस जाकर के वेबसाइट पर और उसको डाउनलोड करना होता है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस और इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है हर मोड पे का सेम होता है, तो इंस्टॉलेशन का जो वीडियो है मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, अगर आपको मोड पे को इंस्टॉल करना है तो आप उस वाली वीडियो को जाकर के देखो जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंस्टॉलेशन वीडियोस अगर आप अच्छे से देख लोगे, प्रोसेस अच्छे से कर लोगे, तो आधा फिक्स तो वहीं पर हो जाएगा आपका, ज़्यादातर आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी इंस्टॉलेशन में ही फिक्स हो जाएगी अगर आप इंस्टॉलेशन अच्छे से करोगे। लेकिन इंस्टॉलेशन अगर गलत कर दिया तो गेम भी क्रैश हो गया, और गेम क्रैश
क्रैश होने के साथ में आपका एक्सपीरियंस भी गंदा हो जाएगा। तो प्लीज़ इंस्टॉलेशन वीडियो को वॉच करना ना भूले, उसको ज़रूर देखें, अदरवाइज गेम आपका क्रैश होगा। एंड यार ये वाला ग्राफिक्स मोड पैक को डाउनलोड करो, बिल्कुल फ्री है, मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है। और जो ग्राफिक्स मोड पैक के जो क्रिएटर है, जिनको क्रेडिट जाता है, उनको उनका जो लिंक है, उनका जो नेम है, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके उनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए आई थिंक ये ग्राफिक्स मोड पैक आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज की ये इस छोटी सी वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग ग्राफिक मोड पैक और बहुत अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए यार अपना ध्यान रखिए और मुझे सजेशन दीजिए कि मैं GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन के साथ में क्या क्या मज़े कर सकता हूँ। लाइक मैंने उसको गेम को डाउनलोड किया था कल परसों, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उस गेम के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। मे बी हम उसमें मोड इंस्टॉल करके अच्छे से उसको गेम को अच्छा क्रिएट करके और उसके ऊपर कॉन्टेंट बना सकते हैं, या फिर उस गेम की हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं अच्छे मोड इंस्टॉल करके, और बहुत चीज़ें हम कर सकते हैं उस वाले डेफिनेटिव एडिशन के अंदर। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना डिस्क्रिप्शन के अंदर, नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर, सॉरी, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलना। Till then, thank you so much for watching this video, and sorry, bye.